बेटे ओ बेटे मौज कर। सो गाइस टुडे वी हैव एसर नाइट्रो 5। बहुत टाइम से इंतजार था एसर नाइट्रो 5 के राइजन वाले वेरिएंट के लिए। इंटेल वाला ऑलरेडी है चैनल पे i5 10 जनरेशन वाला, बट राइजन 5 4600H वाले की अरेंजमेंट थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इवन ऑनलाइन भी अभी अवेलेबल नहीं है, जब आ जाएगा वैसे बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो आज हम रिव्यू करेंगे एसर नाइट्रो 5। स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, राइजन 5 4600H GTX 1650 Ti, 8GB ऑफ रैम, 1TB ऑफ HDD एंड 256GB ऑफ SSD। और बहुत लोगों को डाउट है क्योंकि मेंशन नहीं है Amazon पे कि ये 144Hz है या 60Hz है, तो उनको मैं क्लियर आउट कर दूं, ये 144Hz वाला वेरिएंट है। आप टेंशन मत लो, आराम से मंगाओ, जब भी स्टॉक में आएगा 144Hz ही अवेलेबल है राइजन 5 4600H में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है लैपटॉप स्टोर देहरादून। तो जो भी देहरादून या उत्तराखंड से हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सबसे बड़ी मार्केट उत्तराखंड और देहरादून में है कैपरी ट्रेड सेंटर, जो पीसी मार्केट है। तो वहां पे आपको बेस्ट शॉप बताता हूँ लैपटॉप परचेज करने के लिए, उस शॉप का नाम है लैपटॉप स्टोर। आप वहां पे विजिट कर सकते हो, काफी वाइड वैरायटी आपको गेमिंग लैपटॉप्स की देखने के लिए मिलती है वहां पे। आप फिजिकली लैपटॉप चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और अपनी पसंद का लैपटॉप वहां से आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अनबॉक्सिंग फटाफट से शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको दिखाई देता है, नाइट्रो 5 यहाँ पे लिखा है और नीचे एसर की ब्रांडिंग है। यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह मेंशनड है, पीछे मैन्युफैक्चरिंग ईयर, प्रोडक्ट नेम और MRP वगैरह मेंशनड है। तो खोल लेते हैं फटाफट से। एक मिलता है ब्लैक कलर का बॉक्स जिसके अंदर चार्जर और पावर कॉर्ड अवेलेबल है, और जो यहाँ पे हमारे को पावर ब्रिक देखने के लिए मिलती है वो 135 वॉट की यहाँ पे मेंशन्ड, आप देख सकते हो, और एक ये पावर कॉर्ड। उसके बाद निकलता हमारा लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ थोड़ा सा पेपर वर्क, सेम ऐसा पेपर वर्क आपको ट्राइटन में भी देखने के लिए मिला था और प्रीडेटर में भी, तो एसर वाले दे देते हैं। और यहाँ पे ये कुशन्स वगैरह दिए हैं साथ में, तो 210 आपका लैपटॉप उसके लिए देते हैं। फिर एक कुछ ब्लैक कलर की पैकिंग है, इसके अंदर निकलता है आपका लैपटॉप। लुक देख रहे हो, मतलब लैपटॉप की एक अलग ही प्यारी फीलिंग है भाई नाइट्रो के साथ। एक तो गेमिंग लुक भी होती है इसके अंदर, और एक अलग से मतलब नॉर्मल सी लुक भी होती है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे लैपटॉप। नाइट्रो सीरीज सच में बहुत बढ़िया गेमर्स के लिए। तो लैपटॉप पे नजर मारने से पहले, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो ऊपर से कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है आपको लैपटॉप, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में ब्रश्ड फिनिश है, और बीच में एक नॉर्मल फिनिशिंग मिलती है, और जो इसकी टॉप लिड है वो प्लास्टिक में है। और अगर हम टॉप लिड फ्लेक्स को देखते हैं, तो टॉप लिड फ्लेक्स यार बहुत कम है, एसर नाइट्रो 5 की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। फिर अगर बात करें कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई नाइट्रो में है ही नहीं, तो इससे पता चलता है कि कितनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कंक्लूजन जरूर दूंगा लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं, आई मीन माई पर्सनल ओपिनियन। और पीछे आप देख सकते हो काफी बढ़िया वेंट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं एयर इनटेक के लिए, और यहाँ पे एसर की चिट वगैरह जो वारंटी के लिए काम आती है, इसको मत काटना, वारंटी वॉइड हो जाएगी वरना। और यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स देखने के मिलती है। नीचे स्पीकर ग्रिल है दोनों तरफ, और यहाँ पे रबर ग्रिप है जिससे आपका लैपटॉप खिसके ना, नीचे भी दो है और ऊपर भी दो है। और पीछे आपके एयर एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और रेड कलर में कुछ गेमिंग लुक है। और सबसे अच्छी बात, इसका जो पावर इनपुट पोर्ट है वो पीछे की तरफ है, तो यूज करते टाइम आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से पावर कॉर्ड जा रही है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पीछे बहुत सही रहता है, मतलब ट्राइटन में भी, प्रेडेटर में भी और नाइट्रो में भी, 2020 वाले जो वेरिएंट है। राइट साइड में अगर हम नजर मारे तो टाइप सी 3.2 का पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप ए का 3.2 वाला पोर्ट देखने के लिए मिलता है, और एक HDMI पोर्ट। और इसमें बहुत अच्छी बात है, एयर इनटेक के लिए यहाँ पे भी आपको स्पेसिंग देखने के लिए मिलती है, और सिमिलरली दूसरी जगह भी यहाँ पे एयर इनटेक के लिए होल्स हैं। और लेफ्ट साइड में केंजिंगटन लॉक, RJ45 का पोर्ट, USB 3.2 के टाइप ए वाले पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो गाइस ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, इसके अंदर आपको तीनों के तीनों जो USB पोर्ट है वो 3.2 वाले देखने के लिए मिलते हैं। तो यूजुअली दूसरे लैपटॉप्स में अगर आप देखोगे तो दो 3.2 वाले मिलते हैं, एक USB 2.0 मिलता है, या एक USB 3 मिलेगा, एक USB 2 मिलेगा, तो इसके अंदर तीनों USB 3.2 वाले हैं। यहाँ ऊपर आपको नाइट्रो देखने के लिए मिलता, और लिड ओपन करने के बाद वही नाइट्रो अंदर भी देखने के लिए मिलता। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.3 केजीज है, तो 2.3 केजी के हिसाब से मतलब इतना मतलब ठीक है लैपटॉप का वेट, जितने यूजुअली हर एक गेमिंग लैपटॉप का होता है, ना तो ज्यादा है ना कम है। फिर बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस की 1080p की 144Hz वाली फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और अगर कलर गैमेट की बात करें तो 45% की NTSC इसके अंदर, और 300 nits की ब्राइटनेस है। और जिस बजट में अवेलेबल होता है उस बजट में आपको यही स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगी डिस्प्ले की। सबसे बेस्ट पार्ट है 144Hz, और दूसरा इसके अंदर 300 nits की ब्राइटनेस है। अगर आप दूसरे ब्रांड से कंपेयर करो लाइक HP Pavilion या Acer Stuff जो इसी के एयरफेयर में आता है, या लाइक Idea Pad Gaming, तो सबके अंदर 250 nits की ब्राइटनेस मिलती है, बट इसके अंदर आपको 300 nits की ब्राइटनेस मिलेगी, जो एक प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। और जो इसकी बैटरी है वो 57.5 वॉट आवर की बैटरी है, और नॉर्मल यूसेज में आपको बताता हूँ लाइक YouTube, नॉर्मल सर्फिंग, नॉर्मल यूसेज, गाने या मल्टीमीडिया वगैरह, तो इसका एवरेज बैटरी बैकअप जो आया था निकल के वो था अराउंड 2 घंटे में 30% बैटरी बच गई थी, यानी कि अगर हम एवरेज लगाएं तो 2.5 आवर्स आराम से दे देगा, 2.5 घंटे का बैकअप आराम से देगा, क्योंकि 70% 2 घंटे चल गया था,
लगा के 30% बचा था, लेकिन उसके बाद लैपटॉप पावर सेविंग मोड में चला गया था तो बहुत ज्यादा लैग करने लगा था। और जो इसके स्पीकर्स हैं उनकी आवाज एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा अच्छी ना ही बहुत ज्यादा बेकार। अगर मैं दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करूं तो HP Pavilion A15 और इसकी आवाज बिल्कुल सेम है, एवरेज कहेंगे, ठीक है गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से, मतलब ठीक है। और जो हार्डवेयर स्लॉट्स है, इसके हार्डवेयर स्लॉट्स के मामले में बहुत सही है लैपटॉप। इसके अंदर आपको एक HDD स्लॉट देखने के लिए मिलता है, 2 SSD स्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं और 2 RAM स्लॉट्स भी देखने के मिलते हैं, जिसके अंदर आप 32GB तक मैक्स RAM अपग्रेड कर सकते हो। और जो RAM इसके अंदर सपोर्ट करती है वो 3200 MHz क्लॉक स्पीड वाली RAM सपोर्ट करती है। इसके अंदर भी वही लेटेस्ट ब्लूटूथ 5 और वाईफाई 6 का कॉम्बो है। इसके अंदर आपको 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस बजट में आपको RGB कीबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है और इसकी RGB भी बहुत प्यारी है। और इसके आपको लाइट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो, नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं आपको, तो ये एक अच्छी बात है। जिस बजट में लैपटॉप है इसमें RGB कीबोर्ड मिल जाता है, इसलिए इसकी इतनी डिमांड है, इसलिए जल्दी से स्टॉक में रहता भी नहीं है। फिर हमने किया इसका सिनेबेंच R23 टेस्ट, जिसका हमें मल्टी कोर स्कोर मिला 8334 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर जो था वो 1129 पॉइंट्स था। और ये चीज मैंने नोटिस करी है, अगर मैं दूसरे राइजन 5 4600H वाले लैपटॉप से कंपेयर करता हूँ तो इसका सिनेबेंच स्कोर ज्यादा आया, यानी कि इसकी CPU परफॉर्मेंस थोड़ा सा बूस्ट दे रही थी जस्ट बिकॉज इसके थर्मल्स की वजह से या कुछ, और थर्मल्स भी अभी हम देखने वाले हैं। अब हम करेंगे गेमिंग टेस्ट। इसके अंदर 5-6 मैंने गेम्स टेस्ट किए हैं, AAA टाइटल और कुछ पुराने और मल्टीप्लेयर ई-स्पोर्ट्स वगैरह सब मिला के। और गेमिंग के टाइम पे जो मेरा रूम टेम्परेचर रहा है वो है 16 डिग्री। और अब आप देखोगे इसका गेमिंग टेस्ट और इसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। भाई ये जिस बजट में लैपटॉप आता है ये लास्ट 70,000 का चल रहा था, 70,000 रुपीज में आपको RGB कीबोर्ड,
300 nits brightness, HDD SSD का combo और SSD upgrades के लिए भी आपको दो SSD slots देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही सही है। और जो main factor है इसका वो है इसके thermals, thermals बहुत जबरदस्त हैं। और उसका reason भी ये है जो इसके अंदर inflow और outflow के लिए vents हैं वो बहुत बढ़िया दिए हैं। इवन सारे Acer के laptops में अच्छे vents होते हैं इसलिए इनकी कूलिंग बहुत बढ़िया होती है। तो ओवरऑल ये फुल पैक्ड लैपटॉप है। अगर आप सोच रहे हो आपका बजट 70,000 तक है या इवन अभी शायद ये महंगा भी हो सकता है क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो प्रोबेबिलिटी है महंगे होने की, ऐसा पक्का नहीं है कि पक्का ही होगा, मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूं। तो अगर ये महंगा होता तब भी अगर ये 75 तक भी अगर आपको मिलता तो इस बजट में बहुत सही लैपटॉप है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे तो मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर लिया वीडियो के अंदर, स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की या फिर मेरे दूसरे व्यूअर्स भी रिप्लाई कर देते हैं मुझे। बहुत भाई थैंक यू उन सब लोगों को जो इतनी हेल्प करते हो मेरी यार। बाकी पहली बार आया चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देना, तभी ऐसे बढ़िया बढ़िया अपडेट्स मिलेंगे आपको लैपटॉप से रिलेटेड। ज्यादातर और भी बहुत सारी चीजें मैं डालता रहता हूं इस चैनल पे। और अभी रिसेंटली एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है मेरे नाम से, शिवम अरोड़ा, तो वो आप फीचर चैनल में जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर हम गेमिंग और लाइव स्ट्रीम्स वगैरह रखेंगे, इस चैनल पे करते थे पहले बट अब वो सेपरेट करने वाले हैं, तो थोड़ा सपोर्ट शो कर दो उसके ऊपर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।